ठीक है, तो ये देखो मोर देन वन करेक्ट आंसर में क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द फर्स्ट एंड द टू एन माइनस वन टर्म ऑफ एपी जीपी एंड एचपी आर इक्वल एंड देयर एनथ टर्म्स आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कह रहा है फर्स्ट एंड टू एन माइनस वन टर्म एपी का जो है वो जीपी के बराबर है और एचपी के भी बराबर है। अगर कोई नंबर सेम हो सीक्वेंस में तो वो एपी भी होता है, जीपी में भी होता है और एचपी में भी होता है। ठीक है, पहला बात तो ये क्लियर है। हम क्या करते हैं, एक कंडीशन ले लेते हैं। जैसे मान लो सब नंबर को हमने ए ए ए ले लिया। ठीक है, ये एपी में भी है, ये जीपी में भी है और ये एचपी में भी है। ठीक, क्लियर। तो अब तो ये कहने के लिए नहीं होगा कि सिर्फ फर्स्ट और टू एनथ माइनस टर्म ही एपी जीपी का बराबर है, सब टर्म एक दूसरे के बराबर है। और ये कंडीशन फुलफिल भी कर रहा है कि एपी जीपी एचपी में है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया और एपी जीपी एचपी में भी फुलफिल हो गया। ठीक है, और ये एनथ टर्म है जो ए बी सी के बराबर है, मतलब ए बी सी आपस में बराबर है। ठीक है, क्लियर कट। अब ऑप्शन पढ़ो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पॉसिबल। ठीक है, ए प्लस सी इक्वल टू बी, भाई कर दोगे तो बी इक्वल टू टू है, लेकिन नहीं, बी इक्वल टू ए आ रहा है, गलत। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो सकता है, हमने तो एक स्पेशल केस लिया है, हमने तो स्पेशल केस लिया है भाई, इक्वलिटी तो इसमें दिखा रहा है ना कि इक्वल हो सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। हमने तो स्पेशल केस लिया है कि जहां सब नंबर सेम होंगे सीक्वेंस में। ठीक है, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी के जगह ए कर दो तो ए स्क्वायर, बी के जगह ए कर दो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ये भी सही। तो करेक्ट ऑप्शन ए बी और डी। इतने आसान तरीके से, बस अर्थे आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए, कोई भी नंबर सीक्वेंस में सेम हो तो वो एचपी में भी रहता है, जीपी में भी रहता है और एचपी में भी रहता है। ठीक है, इस बात का आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए।